भारत में जेंडर गैप की समस्या काफी पुरानी है। सामाजिक जीवन के साथ साथ प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये मुश्किल महिलाओं की तरक्की को रोकने का काम कर रही है। बीते 15 साल से भारत में जेंडर गैप लगातार घटने के बावजूद भारत इस मामले में दुनिया भर में 149वें स्थान पर है। भारत के कारोबार जगत में पुरुषों का दबदबा कायम है, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाओं की हिस्सेदारी में भी इजाफा हो रहा है। हाल ही में आई थरुण ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक बायकॉन के संस्थापक और एमडी किरण मजुमदार शॉ सबसे अमीर भारतीय महिला उद्यमी हैं, जिनकी संपत्ति बीते साल 41% से बढ़कर 352.06 अरब पर पहुंच गई है। 2020 में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हुए इजाफे के चलते शॉ की संपत्ति बढ़ी है। दूसरी सबसे अमीर महिला के तौर पर गोदरेज समूह की स्मिता वी कृष्णा है, जिनकी संपत्ति 344.73 अरब रुपए है। तीसरे नंबर पर ल्यूपिन के संस्थापक देशबंधु गुप्ता की पत्नी मंजू देशबंधु गुप्ता हैं, जिनकी संपत्ति करीब 242.04 अरब रुपए है, जबकि यूवीएस की चेयरपर्सन लीना गांधी की संपत्ति 154.03 अरब रुपए है। जोहो कॉरपोरेशन की राधा वेम्बू की 124.69 अरब रुपए, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की जी अनुराधा की संपत्ति 110.02 अरब रुपए है। हालांकि इनमें से ज्यादातर महिलाएं अपने पारिवारिक कारोबार की बागडोर संभाल रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि अब ज्यादातर महिलाएं खुद के दम पर इस तरह की लिस्ट में शामिल हों। इसकी झलक रोजगार के क्षेत्र में भारतीय महिलाएं दिखा भी रही हैं। हाल ही में बजट में जिस तरह से महिलाओं के लिए अलग से रकम जारी की गई है, उससे भी उम्मीद बढ़ी है कि अब महिलाओं को आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। इस बार 28,600 करोड़ जो खाली वीमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए बजट को एलोकेट किया गया, आई एम श्योर वो उन्हें बहुत हेल्प करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स तो बहुत पहले ही इंस्टॉल कर दी गई थी, लेकिन अब उनको और बूस्ट मिला है। इस इंटरनेशनल वीमेन डे पर हम यही कहना चाहते हैं, बिलीव इन योर ड्रीम्स, डू वॉट यू लाइक, लेकिन अपने साथ औरों के लिए भी काम करो, बिकॉज अल्टीमेटली एवरी वीमेन शुड हैव ईच अदर्स बैक्स, सपोर्ट योर ओन जेंडर। दरअसल भारत में महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने की कोशिशें तो लंबे समय से की जा रही हैं, लेकिन इनकी स्पीड काफी धीमी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों से भारत में जेंडर गैप लगातार कम हो रहा है, लेकिन अभी भी भारत आर्थिक लैंगिक अंतर के मामले में दुनिया में 149वें स्थान पर है। यानी 49वीं सदी महिला आबादी वाला देश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी में बेहद पिछड़ा हुआ है। देखा जाए तो ये एक मौका गंवाने की तरह है। ऐसे में देश भर की महिलाओं को सशक्त बनाकर अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। महिलाओं का मानना है कि इसके लिए सशक्तिकरण की बात करने से ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं को असल में मजबूत बनाया जाए। वुमेन एम्पावरमेंट असली में तब माना जाएगा जिस दिन हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना बंद कर दें, और इट शुड बी द डे फॉर इक्वल्स, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेन और वुमेन में। जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि हर कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, उसी तरह पॉलिटिक्स में और ब्यूरोक्रेसी में भी वुमेन को अच्छा दर्जा देना चाहिए, क्योंकि इससे वुमेन एम्पावरमेंट करना बहुत आसान होगा। और हम सब जानते हैं कि वुमेन हर फील्ड में जहां भी पहुंची है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत नाम कमाया है। इट्स नॉट अबाउट एम्पावरिंग वुमेन, वी नीड टू जस्ट रिकॉग्नाइज अवर पोटेंशियल, वी नीड टू पुट अवर पोटेंशियल टू द बेस्ट यूज। There are so many government schemes now which are coming under women empowerment and they're facilitating for you to go out and reach your goals. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे पहले हर एक स्तर पर महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, डिसाइड टीचरशिप, एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट यू कैन थिंक ऑफ, हर चीज में वो समान भागीदारी लेके आगे बढ़ रही है। और ऐसे में वो साथ साथ अपने डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बखूबी निभा रही है, और इसके चलते दोनों वर्ल्ड्स को बैलेंस करने के होड़ में कहीं ना कहीं उसका अपना हेल्थ जो है वो पीछे छूटता जा रहा है। हेल्थ इज द ओनली वेल्थ, और इट इज कंसिडर्ड एज अ मदर। Women plays a holistic role in everybody's life. Take all the precautions and preventive measures to serve the humankind. उम्मीद है कि अगले साल महिला दिवस के आने तक भारत में महिलाओं के हालात में सुधार आ जाएगा, और अगले साल के आंकड़े इस सुधार को बयां करेंगे। आज तक ब्यूरो।